आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है, फॉर द गिवन रिएक्शन CH4 गैस प्लस 2 टू गैस गोज टू CO2 गैस प्लस 2 H2O लिक्विड। ये आपके पास इक्वेशन है और इसमें पूछा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डेल्टा एच आर। आपको यहाँ पे निकालना है कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ऑप्शंस में एक टर्म यूज हुआ है HM। ये क्या है? HM का मतलब होता है मोलर एंथैल्पी। HM का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है कि HmCO2 है ना। तो इसका हम इस तरह से हम देखते हैं कि मोलर एंथैल्पी ऑफ CO2 गैस, हमको इस तरह से पढ़ना होता है इसको। टेम्परेचर लिखा होता है तो हम बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ CO2 एट दैट टेम्परेचर। प्रेशर लिखा होता है तो हम पढ़ते मोलर एंथैल्पी ऑफ CO2 गैस एट दैट प्रेशर। ठीक है, तो अब यहाँ पे मोलर एंथैल्पी होता क्या है? देखिए, किसी भी सब्सटेंस के पास हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट होता है। तो टोटल हीट कंटेंट है उस सब्सटेंस का एक मोल के मतलब किसी सब्सटेंस के एक मोल के पास जो टोटल हीट कंटेंट है उसको बोला जाता है उसकी मोलर एंथैल्पी। वो जो मोलर एंथैल्पी है ये एक फिक्स अमाउंट होगा, ठीक है, बट इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपको वैल्यू लिखा मिल रहा है कहीं पर तो वो हमेशा हाइपोथेटिकल होगा, ये कभी भी आप उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, किसी भी सिस्टम के पास उसकी एंथैल्पी भी होती है, उसकी इंटरनल एनर्जी भी होती है। जो टोटल हीट कंटेंट है सिस्टम का उसको बोलते हैं हम लोग उसका एंथैल्पी, और वो सिस्टम के पास हमेशा एक फिक्स अमाउंट में होगा। ठीक है, वैल्यू उसकी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसके पास अमाउंट कुछ होता है एनर्जी का, सॉरी टोटल हीट कंटेंट का। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा मिल रहा है कि इसका एंथैल्पी इतना है, मोलर एंथैल्पी इतना है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी मिली है, तो वो हाइपोथेटिकल होगी। ठीक है, चलिए अब, लेकिन हमको ये पता है कि अगर आपको हाइपोथेटिकल वैल्यूज दिया हुआ है या मोलर एंथैल्पी का टर्म्स केवल लिखा हुआ है, उससे हम लोग एक रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकते हैं आराम से। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है ए प्लस बी बी गोज टू सी सी प्लस डी डी। अगर आपको इसका निकालना है डेल्टा एच रिएक्शन आर इन टर्म्स ऑफ मोलर एंथैल्पी, आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा कि मोलर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोलर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको मोलर एंथैल्पी पता है तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो एंथैल्पी मोलर एंथैल्पी प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोफिशिएंट सी और मोलर एंथैल्पी ऑफ सी प्लस कोफिशिएंट डी और मोलर एंथैल्पी ऑफ डी। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट के लिए। अब बात करते हैं रिएक्टेंट के लिए, उसके लिए हो जाएगा ए इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ ए प्लस बी और मोलर एंथैल्पी ऑफ बी। ठीक है, ये आपको आंसर दे देगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का, बट अगेन ये जो वैल्यू होगी न्यूमेरिकल वैल्यू वो हाइपोथेटिकल होगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अभी आपके पास जो इक्वेशन है वो है CH4 प्लस 2O2 गोज टू CO2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे अगर मुझे निकालना है मोलर एंथैल्पी केस में मोलर एंथैल्पी की हेल्प से डेल्टा एच आर, तो हम बोलेंगे कि मोलर एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर। तो मोलर एंथैल्पी ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ वाटर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये। ठीक है, फिर माइनस मोलर एंथैल्पी ऑफ CH4 मोलर एंथैल्पी ऑफ CH4 और यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, और प्लस 2 इंटू मोलर एंथैल्पी ऑफ O2, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।